तो भाई आप लोग देख सकते हैं सामने मेरे, ये देखिए ईंट वीट तोड़ के सब गिराई गई हैं, जो यहाँ पे थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम था पुराना उसको तोड़ दिया गया है। देखिए आप लोग बोर्ड वगैरह सब हटा दिया गया है, वो सामने आप लोगों को बोर्ड दिख रहा होगा जो स्लैब टाइप का दिख रहा है, वो बोर्ड था यहाँ पे पहले, साइन बोर्ड लगा हुआ था वेलकम टू वाराणसी और ये सब सारी चीज़ें लिख के। तो अभी मोहन सराय के पास हम लोग हैं और देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम कैसा चल रहा है। ये देखिए यहाँ ये जो आप लोगों को बीच में डिवाइडर टाइप का दिख रहा है ना, इस पर पेड़ वगैरह लगाए गए थे थोड़ा सुंदरीकरण के तरीके से, इसको सुंदर बनाने के लिए। तो कुछ इसी तरीके का और इसका 4 गुना बड़ा जो है वो बनेगा आपका वहाँ पे, वो जो ईंट का कंस्ट्रक्शन का काम दिख रहा है वहाँ पे। चलिए आइए पास से भी दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए आप लोग देख सकते हैं जैसे तीर का नुकीले वाला भाग होता है ना आगे का, कुछ उस तरीके का शेप दिया जाएगा यहाँ पे। यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह अभी शुरू ही हुआ है डिवाइडर बनाने का बीच में सुंदरीकरण के लिए। तो ये देखिए ये तीर का जैसे एक नुकीले वाला तीर का निशान होता है ना, देखिए ऐसे जाके फिर ऐसे मुड़ा हुआ है, ऐसे उस तरफ भी बनेगा और यहाँ पे जो है वो सुंदरीकरण का काम होगा, यहाँ डिवाइडर नहीं होगा, यही डिवाइडर की तरीके से काम करेगा। बीच में साइन बोर्ड वगैरह लगाया जाएगा जिसपे डिटेल्स लिखे होंगे वेलकम टू वाराणसी और वाराणसी से कौन सी जगह कितनी दूर है, किधर आपको जाना चाहिए, वो सब मार्क लगा रहेगा इस पर। और यहाँ पे पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे, लाइटिंग वाइटिंग का भी जबरदस्त व्यवस्था किया जाएगा ताकि रात को देखने में भी सुंदर लगे, क्योंकि भाई अगर आप कहीं से आ रहे हैं चुनार से, प्रयागराज से या कहीं से भी आ रहे हैं तो ये एक मुख्य द्वार होने वाला है आप लोगों के लिए बनारस में एंट्री करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और अभी मैं आ चुका हूँ आप लोगों को एक ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन का अपडेट देने के लिए, जो कि है आपका मोहन सराय टू लहरतारा या फिर लहरतारा टू मोहन सराय तक का आप कह सकते हैं रोड प्रोजेक्ट, जो कि बनारस का सबसे पहला 6 लेन प्रोजेक्ट होने वाला है। तो यहाँ अभी कंस्ट्रक्शन का क्या अपडेट है, कितना बना है बीच में और क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, तो चलिए ठीक है शुरू से शुरू करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं चांदपुर से लेके मोहन सराय तक का पूरा कंस्ट्रक्शन का काम। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, भाई मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए विजुअल्स देने के लिए, अपडेट देने के लिए। तो ऐसे ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए और ट्रैवल से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत को ज़रा भी अप्रिशिएट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भाई, बहुत पैसा भी लगता है ट्रैवल करने में और इसका पूरा सेटअप लेने में। तो चलिए ठीक है शुरू करते हैं बैक कैमरे से और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, लाइक करके जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। तो अभी ये जो वीडियो होने वाला है ये मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ जो लहरतारा से मोहन सराय तक का 6 लेन प्रोजेक्ट होने वाला है, जो कि वाराणसी का पहला 6 लेन प्रोजेक्ट होने वाला है, उसका अपडेट देने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, इसके वीडियो में डिटेल्स भी रहेंगी और आप लोगों को विजुअल्स भी रहेंगे। तो अभी मैं निकल चुका हूँ चांदपुर चौराहे से मोहन सराय की तरफ और आप लोग देख सकते हैं चांदपुर चौराहे के पास तक काम जो है वो आ चुका है। दूसरी तरफ आप लोग देख पा रहे होंगे मिट्टी विट्टी डाल के उसको समथर करने का काम चल रहा है। तो ये जो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है ये वाराणसी का पहला 6 लेन प्रोजेक्ट है, जिसकी कुल चौड़ाई जो है वो 56 मीटर के आसपास होगी। अगर आप फिट में देखेंगे तो करीब 184 फिट के आसपास का ये जो चौड़ा रोड होगा इसका काम चल रहा है। और अभी हम लोग आ चुके हैं चुरामनपुर, आप लोग देख सकते हैं चुरामनपुर का मेन गेट है। तो चुरामनपुर में अभी दोनों साइड आप लोग देख सकते हैं कि जो मकान का ध्वस्तीकरण और पेड़ वेड़ काट दिए गए हैं, उसके बाद मिट्टी डाल के रोड के लेवल में लाने का काम चल रहा है। ये देखिए चुरामनपुर वाला पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, दिखाते हैं आप लोगों को पूरा डिटेल। ये देखिए इस तरफ देखिए कितनी दूर तक, 56 मीटर बहुत होता है दोस्तों, देखिए कितनी दूर तक जो है वो रोड के साइड में खाली करा दिया गया है, पेड़ वेड़ भी काट दिए गए हैं और जो ज़मीन है वो गवर्नमेंट ने अपना एक्वायर कर लिया है। देखिए वहाँ पेट्रोल पंप के पास तक जो है वो रोड का जाएगा ज़मीन। तो भाई रोहनिया से थोड़ा सा आगे जब हम लोग आएंगे तो देखने को मिलेगा भाई यहाँ काफ़ी गहरा गड्ढा खोदा गया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे वायरिंग का काम चल रहा है, मतलब ज़मीन के अंदर अंदर वायरिंग का भी काम चल रहा है। ये लोग आप अब देख सकते हैं उधर सामने, और बाएं तरफ भी देखिए इस तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यहाँ भी खुदाई चल रही है अभी, यहाँ भी पाइप वो वायर लाइन डालने के लिए अभी यहाँ पर खुदाई चल रहा है। बाकी भाई एक तरफ का रोड जो है वो बंद कर दिया गया है, एक ही तरफ से आवागमन है और इस रोड पे काफ़ी सावधानी से लोगों को चलना चाहिए, क्योंकि भाई देखो एक ही तरफ से चालू है। देखिए बाएं साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा मोटी वाली जो गिट्टी है, वाइट वाली,
उसको डाल दिया गया है मिट्टी डाल के समथर करने के बाद, और अब उसको रोड के लेवल में ला दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं देखिए रोड कितनी चौड़ी बन रही है भाई। मतलब इस रोड पे ना मतलब गजब ही मजा आएगा 6 लेन रोड जब बन जाएगा तो। हालांकि इस रोड को ना आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो रोड होने वाला है ये मुख्य एंट्री गेट आप लोग कह सकते हैं, जो लोग चुनार से आ रहे हैं या मिर्ज़ापुर से आ रहे हैं या फिर इधर बिहार साइड से भी आ रहे हैं, उनके लिए 6 लेन का पहला जो है वो गेट होगा, एंट्री गेट वाराणसी में एंटर करने के लिए। और भाई इलाहाबाद से आने वाले लोगों के लिए भी, प्रयागराज से आने वाले लोगों के लिए भी ये एंट्री गेट की तरीके से बनाया जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका काम चल रहा है अभी। दोस्तों वीडियो को मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ज़्यादा कट ना करना पड़े, ताकि आप लोगों को पूरा व्यू समझ में आए कितना अभी कंस्ट्रक्शन का काम चला है, कितना बाकी है। ये देखिए बाएं साइड में ना मिट्टी डाल के इधर रोक दिया गया है ताकि उधर से कोई जा ना पाए, और वो इसलिए किया गया है क्योंकि आगे आप लोग देख सकते हैं कार्य प्रगति पर है का जो बोर्ड लगा हुआ है उसके आगे काफ़ी गहरा गड्ढा खोदा गया है, उसके नीचे से अंडर पास बनाया जा रहा है, सर्विस अंडर पास आप लोग कह सकते हैं। आइए दिखाते हैं, देखिए इसको यहाँ पे, ये देखिए किस तरीके से इसको कितना चौड़ा गड्ढा खोद के और नीचे जो है वो ढलैया करके, देखिए पाइपलाइन और सर्विस के लिए वो बनाया जा रहा है। आप कह सकते हैं गटर के तरीके से ही बनाया जा रहा है ताकि रोड के आर पार जो भी सीवेज हो या पाइपलाइन हो उसके लिए दोबारा गड्ढा ना खोदना पड़े या दोबारा कोई तोड़फोड़ ना करना पड़े, क्योंकि यह RCC रोड होने वाली है। तो दोस्तों ये काली वाली रोड होती है ना जिसको तोड़ना थोड़ा सा आसान होता है, हालाँकि RCC वाला जो रोड होता है उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। और अगर उसको तोड़ भी दिए पाइपलाइन या वायर लाइन बिछाने के लिए, तो भाई वो रोड का ना जो लाइफ होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि उस पर पूरा ढलैया करके बनाया जाता है और मोटे मोटे रॉड वगैरह छड़ वगैरह डाल के सरिया डाल के बनाया जाता है, तो तोड़ना भी मुश्किल है। और अगर तोड़ दिए तो उसकी लाइफ जो होती है थोड़ी कम हो जाती है, वहाँ पर धंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये देखिए ये जो गिट्टी डाला गया है ना इसको थोड़ा ऊंचा ही रखा गया है इस रोड से, क्योंकि जब इस पे RCC होगा तो ये उसके लेवल में आ जाएगा। देखिए यहाँ से आप लोगों को पूरा जो इसका आकार है वो समझ में आएगा कितनी चौड़ाई में रोड बन रहा है, 56 मीटर कितना चौड़ा होता है। उस सीवेज वाला जो गटर बना हुआ है, जो नाला बना हुआ, उस नाले से लेके और जहाँ पे ये बिल्डिंग दिख रही है छोटा सा घर, यहाँ तक इतना चौड़ा 56 मीटर होने वाला है, 184 फिट के आसपास ये जो चौड़ाई होगी ये होगी। भाई यहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई है, शायद से कोई कॉलेज होगा, देख रहे हो? हाँ कॉलेज ही है भाई। देखो जगतपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगतपुर वाराणसी, तो हम लोग जगतपुर महाविद्यालय के पास आ चुके हैं। भाई देख रहे हो किस तरीके से भीड़ लगी हुई है स्टूडेंट्स की। इस रोड पे दोस्तों आप लोगों को सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, जैसे कार लेना हो, बाइक लेना हो, या फिर कॉलेज हो, स्कूल हो, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस रोड पे मिल जाएंगी देखने के लिए। ये देखिए जगतपुर का स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगतपुर वाराणसी, मेन गेट वो था और ये है कॉलेज, और ये है पूरा कॉलेज का कैंपस, आप लोग देख सकते हैं। और भाई बीच बीच में ना बाएं साइड वाला जो रोड है उसको बाधित कर दिया गया है ताकि उस पर से गाड़ियाँ ना आए जाएँ, क्योंकि उसके पीछे उससे दिक्कत होगा लोगों को भी और कंस्ट्रक्शन का काम करने में भी काफ़ी दिक्कत होगी। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छा लगता हो मेरा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे ना मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को काफ़ी दूर दूर तक जाने के लिए, और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाने के लिए भी काफ़ी हम लोगों को मानसिक रूप से काफ़ी हेल्प मिल जाती है भाई। तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए। ये देखिए हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, टोयोटा राजेंद्र टोयोटा का शोरूम है, साथ में आप लोगों को रेनॉल्ट का भी सर्विस स्टेशन और शोरूम है। तो मतलब भाई अगर गाड़ी वाड़ी भी लेना है ना तो आराम से आप यहाँ पे, टोयोटा और रेनॉल्ट का सर्विस सेंटर है और शोरूम भी है, साथ में नायरा का यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है दाहिने साइड में, आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए किस तरीके से लुक आएगा भाई जब ये रोड बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा तो। और ये रहा वाराणसी का इलेक्ट्रिक बस,
देखिए कितना जबरदस्त लुक आएगा भाई, एकदम पूरा हाईटेक बना देंगे मोदी जी वाराणसी को। देख रहे हो, कोई भी ऐसा रोड नहीं होगा जो कि लिंक रोड को छोड़ के जो मुख्य मार्ग होगा वाराणसी का ना, सब 6 लेन और 4 लेन होने वाला है। और देखिए यहाँ भी वो अंडरपास बनाया जा रहा है, ये देखिए, ताकि उसके बीच में से वायर लाइन और पाइप लाइन निकाल दिया जाए और रोड को बार बार तोड़ने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए आइए हम लोग बाएं साइड से चलते हैं, इधर का भी कुछ हम लोगों को दिखाते हैं कंस्ट्रक्शन। ये देखिए इस साइड में भी दोस्तों मिट्टी डाल के, गिट्टी डाल के समतल कर दिया गया है, और उसके बाद काली वाली जो एक पतली सी लेयर होती है उसको लगा दिया गया है, इसके ऊपर चढ़ा दिया गया है ताकि गिट्टियाँ इधर उधर ना हो। और मतलब काफ़ी चांसेस होती हैं कि गिट्टियाँ उड़ के किसी को लग जाए गाड़ी वाड़ी से छटक के। ये आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से ये मशीन लगा के और सीमेंट वाली जो है रोड वो बनाई जा रही है। देखिए अभी ये ताज़ा ताज़ा बना है इसलिए समझ में आएगा आप लोगों को। तो ये देखिए, ये है मशीन वोल्वो की, और भाई ये एक साथ में ना 2 लेन की रोड बिछाती हुई जाती है, एक साथ मतलब 2 लेन का रोड बिछाने के लिए ये एक साथ बिछाती हुई आगे बढ़ जाएगी। और देखिए यहाँ पर आप लोगों को बाएँ साइड में देखने को मिलेगा कि कुछ इस तरीके से कच्चा रोड बना दिया गया है। कच्चा रोड का मतलब ये है कि जो सीमेंट वाली आरसीसी रोड होने वाली है उसके ऊपर एक लेयर बिछाया गया है। ये देख सकते हैं आप लोग किस चीज़ की है पता है, ये इसमें आपका गिट्टी है और बालू है, वो जो महीन वाली एकदम पतली वाली बालू आती है वो, तो गिट्टी बालू डाल के इसको बिछा दिया गया। इसके ऊपर आप लोगों को सामने देखने को मिलेगा आरसीसी वाली जो मशीन है, जो बड़ी वाली मशीन है, उससे इसके ऊपर अब आरसीसी की मोटी लेयर चढ़ाई जाएगी। देखिए पूरा सरिया वरिया डाल के एकदम ज़बरदस्त तरीके से, जैसे ढलैया होता है ना छत का, कुछ उस तरीके से। देखिए बड़ी बड़ी मशीनें पड़ी हुई हैं भाई, देख रहे हो, देखो ये राजेंद्र टोयोटा का एक और सर्विस सेंटर है, उसके पास तक अभी कंस्ट्रक्शन का काम ये वाला पहुंच चुका है। देख रहे हो ये पूरा भाई 4 लेन बिछाते हुए जाता है ये मशीन एक साथ। ये देखिए तो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड वगैरह लगाए गए हैं जो मशीन है उसकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि भाई लोगों का कोई भरोसा नहीं है कब कौन सा पार्ट उखाड़ के ले जाएंगे, खोल के उठा ले जाएंगे। देखो कितनी मोटी स्लैब है भाई, देख रहे हो कितनी मोटी स्लैब बिछाई जा रही है। मतलब ये जो रोड होने वाली है ना भाई, ये कम से कम 500 सालों तक तो हिलने से रहा। मतलब अगर कोई ऐसा दुर्घटना ना हो रोड पर, कोई गाड़ी वाड़ी क्रैश ना हो या कोई ज़्यादा डेंजरस वाला एक्सीडेंट ना हो, तो ये रोड टूटने से रहा भाई, इतना ज़बरदस्त तरीके से इसको बनाया जा रहा है। देखो ये पास से आप लोगों को दिखाते हैं, ये देखिए कितना मोटा स्लैब बिछाया गया भाई, कितना मोटा स्लैब, देख रहे हो इसकी थिकनेस ना, मुझे लग रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा है भाई। मैं तो दूर से देखने में और भी पतला लग रहा था, ऐसे पास से तो और भी मोटा लग रहा है। ये अभी 4 लेन बिछाया गया है इधर, उसके बाद एक और लेन बिछाया जाएगा उस तरफ भी बाएं साइड में जहाँ रोड बन चुका है, और उसके बाद फिर काम इस तरफ चालू होगा। उधर का रोड जो है वो चालू कर दिया जाएगा बनाने के बाद, ताकि आवागमन जो है वो बाधित ना हो और बड़ी बड़ी गाड़ियां भी आ सकें, ट्रक वगैरह, क्योंकि अभी सारी गाड़ियां इसी पे आ रही हैं और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है हम आप जैसे लोगों को। ये देखिए मारुति सुजुकी का नेक्सा शोरूम भी यहीं पर है। ये देखो यहाँ पर क्या काम हो रहा है पता है, ये रोड जो ढलैया किया गया है ना, उसको बीच बीच में कटिंग की जा रही है, एक निर्धारित दूरी पे पूरे रोड की कटिंग की जाती है, ताकि जो स्लैब है वो इकट्ठा स्लैब ना रहे, थोड़ा थोड़ा अलग हो जाए, तो उससे क्या होता है ना कि रोड का कहीं खिंचाव नहीं होता और ये टूटता नहीं। जैसे आपने बहुत सारे घरों में भी देखा होगा, घर बनने के कुछ 10-20 साल या 30 साल बाद ना क्या होता है कि वो कहीं कहीं जो घर का जो ज़मीन होता है कच्चा रहता है थोड़ा बहुत, तो वो धंसने लगता है, उसकी वजह से बीच बीच में दीवारें फट जाती हैं, होती है उसको बिछा दिया गया है। अभी इसके ऊपर बाद में होगा आरसीसी का काम, और बीच में यहाँ पर रेलिंग वगैरह होगा, और उधर सर्विस लेन भी बनेगा उस तरफ, और इधर का पूरा रोड रहेगा। 56 मीटर बहुत चौड़ा होता है दोस्तों, बहुत चौड़ा होता है। मतलब आप सोच के देखो, यहाँ से ले कर यहाँ जो बना हुआ है ना ये गटर जो नाला, इस नाले से ले कर वहाँ तक जहाँ घर दिख रहा है वो वाला, देख रहे हो आप लोग, वहाँ तक इतना चौड़ा होने वाला है ये रोड। और भाई मज़ा आ जाएगा इलाहाबाद से आने के बाद।
ये आप लोगों को 19 NH 19 दिख रहा है सामने, जो आपका मुख्य मार्ग है जिसे आप GT रोड भी कहते हैं वो वाला, और उसके पहले तक काम जो है वो पहुंच चुका है कुछ इस तरीके से। यहाँ देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पे कटआउट वगैरह बनाया जा रहा है, देखिए किस तरीके से यहाँ पे बीच में एक सुंदरीकरण के लिए, जैसे आपने हरहुआ वाले तिराहे पे देखा होगा सुंदरीकरण के तरीके से यहाँ पे बीच में कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बनाया गया ना, ये बस सुंदरता के लिए ही बनाया गया। वैसे ही वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ईंट वीट का दीवार जोड़ा जा रहा है, इधर भी वैसे ही बनेगा, और जब बाएं साइड वाला जब रोड बनेगा तो उस पर भी कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा, और यहाँ पे कुछ पेड़ वगैरह लगाया जाएगा, साइन बोर्ड वगैरह लगाया जाएगा, ये सारी चीज़ें होंगी। और ये हम लोग आ चुके हैं 19A के पास,